नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, यूएनएससी पर फूटा एस जयशंकर साहब का एक बार फिर से गुस्सा। आप लोगों को पता ही होगा कि लगातार भारत ये प्रयास कर रहा है कि यूएन में भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर मिल जाए। अब ऐसे में दोस्तों, गिने चुने यूएन के स्थायी सदस्य देश ये नहीं चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर और परमानेंट सीट मिले। अब इसी को लेके एक बार फिर से यूएनएससी में बदलाव की मांग भारत ने उठा दी है और एक बार फिर से एस जयशंकर साहब ने यूएनएससी को कार लगा दी है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं हुआ क्या है। एस जयशंकर साहब ने सम्मेलन के उद्घाटन में एक बार फिर से यूएनएससी को लताड़ लगाई है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जल्द से जल्द यूएनएससी में बदलाव किया जाए और भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर दी जा सके। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन्होंने ये भी कही है कि सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं देशों को हो रही है जिन देशों को इससे फायदा है, और जिन देशों को इससे नुकसान है वो बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं। और इससे ये भी साफ हो गया है कि भारत ने रसिया और चाइना को सीधे शब्दों में ये समझा दिया है कि अब जल्द से जल्द आप भी कदम उठाइए। कि रसिया तो एक हिसाब से भारत के पक्ष में आ जाएगा, लेकिन बात अगर चाइना की जाए तो दोस्तों, चाइना भारत का लगातार विरोध कर रहा है और चाइना कभी भी ये नहीं चाहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल सके। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की तरफ और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर भारत ने कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है। पिछले कुछ दिन पहले भारत ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अपनी एक सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण किया है और ये मिसाइल वाकई में पूरी दुनिया के लिए, यानी कि जो हमारे दुश्मन है जैसे कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगी, क्योंकि इस मिसाइल की एक्यूरेसी क्षमता बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे देशों की हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है अग्नि वन मिसाइल। अग्नि सीरीज की यह पहली मिसाइल थी और इसी वजह से भारत ने इसका एक नया परीक्षण करके ये बता दिया है कि हम अपनी पहली मिसाइल का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना आज हम अग्नि सीरीज की आखिरी मिसाइल यानी कि अग्नि 5 या फिर अग्नि 6 का ख्याल रख रहे हैं। इस मिसाइल की रेंज दोस्तों लगभग 700 से 1500 किलोमीटर के आसपास है और ये मिसाइल पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। हालांकि दोस्तों, इस मिसाइल के परीक्षण के बाद पाकिस्तान में थोड़ी सी खलबली भी मच गई थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है हमारी दोनों बड़ी खबरों को लेके? सबसे पहले, क्या भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल जाएगी या फिर नहीं? दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आखिर कैसी हो गई होगी इस मिसाइल के परीक्षण के बाद? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।